हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेंस मैं हूं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास सेवन एंगेजिंग इंग्लिश बुक का फोर्थ चैप्टर विच इज कॉलमेंटल फिशेस

सो इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेसन देखें वो वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन आप प्रीवियस वीडियो सो so आपको प्ले लिस्ट में इससे पहले वो वीडियो मिल जाएगा नाउ हियर इस वाले वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द समरी जिसमें हम समरी में ऑलमोस्ट एक तरीके से थीम डिस्कस करेंगे और एक बेसिक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख चुके हैं फॉलोड बाय द री डिवाइसेस जो भी हमने पोइटिक डिवाइसेस यूज करी है उसका स्ट्रक्चर उसका राइमिंग पैटर्न सब कुछ देखेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्लियर कोराम फिशर्स रेफर टू द फिशरमैन ऑन द कोराम कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया तो यहाँ पे कोराम फिशर्स जो है ये किसको रेफर कर रही हैं ये उन फिशरमैन को रेफर कर रही हैं जो साउथ इंडिया के कोराम कोस्ट में रहते हैं

फ़ाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन फ्राम द ब्रिटिशस लेकिन ऐसा लग रहा है इस पोम को पढ़ के कि वो एक तरीके से रूटीन बता रहे हैं कि आप सुबह उठते हो उसके बाद आप जो है सिगल का कॉल मतलब कि सुबह हो चुकी है और अब आपको जाना है फ़िशिंग करने के लिए और किस तरीके से सबको बोला है कि गैदर करो अपने नेट को और उसके बाद आगे बढ़ो घबराओ मत क्यों क्योंकि जो सी गॉड है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा जो क्लाउड्स हैं जो मदर तुम्हारी जो सी है जो मदर की तरह एक्ट करती है क्लाउड्स जो ज्यादा की तरह एक्ट करता है वेव्स जो कि तुम्हारे कंपेनियन की तरह एक्ट कर रही हैं वो सब तुम्हारे साथ हैं तो इस तरीके से मोटिवेट करते हुए वो फिशरमैन को बोल रही है कि आगे बढ़ो गो टू द होराइजन गो गो देयर इनसाइड द मतलब इन इनटू द सी तो एक तरीके से वो इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको अवेकन कर रही हैं उन्हें जागृत कर रही है उन्हें जगाने की कोशिश कर रही है कि फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स कि उठो आगे बढ़ो जाओ और फाइट करो अपने नेशन की फ्रीडम के लिए सरोजनी नायडू इन द पोम द कोरोमंडल फिशर्स हेज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द फोक कल्चर ऑफ़ द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे इस पूरी फोम में शी हेज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर कि किस तरीके से नेचर जो है वो हमारे साथ होता है हमारा ख्याल रखता है हमें प्रोटेक्ट करता है उन्होंने ब्यूटी बताई है नेचर की एंड द फोक कल्चर ऑफ द कौराम कोस्ट ऑफ इंडिया और उन्होंने वहाँ का फोक कल्चर मतलब वहाँ का डेली कल्चर बताया है कि वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं इट द रिलेशनशिप ऑफ फिशरमैन विध नेचर यहाँ पे फिशरमैन और नेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको डिपिक्ट कर रहे हैं नेचर stands as अ symbol ऑफ़ ब्यूटी दैट expresses the optimistic view ऑफ लाइफ यहाँ पे नेचर जो है वो किस तरीके से खड़ा हुआ है एक symbol है वो एक सिंबल है ब्यूटी का जो कि बता रहा है कि लाइफ को आपको कैसे ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आपको आगे बढ़ना है क्यों क्योंकि रात होती है लेकिन रात के बाद सवेरा होता है इट्स लाइक देर इज़ अ मॉर्निंग फॉर एवरी नाइट एंड एवरी नाइट योर मीन्स द टेंशंस द सैडनेस द ग्लूमी पीरियड ऑफ योर लाइफ एंड मॉर्निंग मीन्स द होप

सबसे पहले जो ये लाइन है द विंड लाइज अ स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाइक अ चाइल्ड दैट हेज क्राइड ऑल नाइट यहाँ पे विंड को कंपेयर किया जा रहा है एक छोटे बच्चे से विंड लाइज अ स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन मतलब ये जो हवा है जो रात भर एक स्टॉमी विंड की तरह चली है वो ऐसा लग रहा है कि जो रात भर वो जिसने उसने इतना जो शोध किया इतनी जो वो थक चुकी है अब वो पीसफुली डॉन मतलब मॉर्निंग के आर्म्स में सो चुकी है विच मीन्स अब वो काम डाउन हो चुकी है उसी तरीके से जिस तरीके से एक बच्चा रात भर रोता है और सुबह होके अपनी माँ की गोद में सो जाता है सो so, यहाँ पे विंड को आप कंपेयर कर रहे हो एक छोटे बच्चे से यूजिंग द वर्ड लाइक तो ये हो जाता है सिमिली नाउ दिस इज अ सिमिली हेयर द विंड इज़ बीग कम्पेयर टू अ चाइल्ड असलीब इन द आर्म्स ऑफ इज मदर जो कि क्या है द दॉन आफ्टर क्राइंग ऑल नाइट राइज ब्रदर्स वाइज द वेकनिंग स्काई स्प्रे टू द मॉर्निंग लाइट नाउ हियर वी आर यूजिंग द वेकनिंग स्काई द देकनिंग स्काई क्या स्काई जागती है सोती है नहीं इंसान ह्यूमंस या लिविंग बींग्स जो हैं वो जागते हैं या सोते हैं तो यहाँ वेकनिंग स्काई मतलब स्काई को आपने लिविंग बींग का ट्रेड दिया है नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग बींग को एक लिविंग बींग का ट्रेड देना Here the sky is said to be wakening as if it has been sleeping the entire night like a living being. यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि अब जैसे morning हो रही है तो जो sky है वो एक तरीके से जाग गई है ऐसा लग रहा है कि वो रात भर सोई थी अब एक living being की तरह वो भी जाग गई है Next is the spray and the dance of the wild foam's glee. द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली तो ये जो बोला है द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली तो जिस तरीके से जब लहरें बहुत सब लहरें ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और जब जाके वो शो से टकराती हैं तो उसमें एक वाइट फोम क्रिएट हो जाता है तो उसकी जो हैप्पीनेस की बात हो रही है हेयर द वेव्स आर बींग इमेजन एज डांसर्स डांसिंग विद अनरिस्ट्रेंड जॉय यहाँ पे हम वेव्स को किस से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ हम उन्हें डांसर्स से कंपेयर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये वो डांसर्स हैं जो कि बस बिना बेतहाशा जो है वो खुशियाँ बटोर रही हैं वो दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी और इनके जॉय में कोई आ, रुकावट नहीं है दे आर अन हैव अनरी रिस्ट्रेंड जॉय द सी अब यहाँ पे जो हम इनको डांसर्स से जो कंपेयर करें द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली अगेन ये भी है ओके द सी इज आर मदर द क्लाउड इज आर ब्रदर एंड द वेव्स आर आर कॉम्रेड सोल्ड द सी इज आर मदर यहां पे सी को मदर से कंपेयर करा जा रहा है क्लाउड को ब्रदर से कंपेयर किया जा रहा है और वेव्स को कॉमरेड्स कंपेनियन से कंपेयर किया जा रहा है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज एंड लाइक अगर आप एज और लाइक यूज करके दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो उसे हम बोलते हैं सिमिली। उनके बिना कंपेयर करते हो उसे हम कहते हैं मेटाफोर। सो दिस इज अ मेटाफोर। दस हियर, द सी द क्लाउड एंड द वेवस आर कंपेयर टू द मदर ब्रदर एंड कंपेनियंस गॉट इट अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर ये जो पोम है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें टोटल थ्री स्टैंडास हैं और हर स्टैंसा में यू हैव गॉट फोर लाइन्स और इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी मतलब इसकी फर्स्ट टू लाइन का जो लास्ट वर्ड है राइम करता है और लास्ट टू लाइन्स का जो लास्ट टू लाइन्स मतलब हम एक स्टैंडा की बात करें तो एक स्टेंसा में फोर लाइन्स हैं सो ये और ये राइम कर रहे हैं लास्ट वर्ड्स और ये थर्ड और फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड्स राइम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपकी राइमिंग स्कीम है वो क्या है डबल ए डबल बी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद विदेशन आंसर एट द एंड ऑफ द चैप्टर पहला है एक्सप्लेन द लाइन द वेकनिंग स्काई स्प्रे टू द मॉर्निंग लाइट द वेकनिंग स्काई स्प्रे टू द मॉर्निंग लाइट मतलब ये जो जागती सी सुबह एक तरीके से ये क्या कर रही है इट्स इट फील्स लाइक ये जो मॉर्निंग लाइट आ रही है वो उसको प्रे कर रही है

बहुत कम रोशनी होती है इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू नो नाइट बहुत कम रोशनी होती है और इट फील्स हियर दैट द स्काई ये जागती सी जो सुबह है ये जो है मॉर्निंग लाइट से प्रे कर रही है दैट कम एंड विल द फिशरमैन डू दे वैन द दीगल्स कॉल फिशरमैन को क्या करना है जैसे ही उन्हें सीगल की कॉल की आवाज आती है तो उन्हें क्या करना है द फिशरमैन हियर दीगल्स कॉल दे विल फॉलो देम वो जाएंगे उठेंगे उन्हें फॉलो करेंगे द फ़िशरमैन फॉलो सीगल्स एज दीज बर्ड्स नो प्लेस इन सी वेयर दर इज प्लेंटी ऑफ फिश अब ये जो सीगर्स होते हैं सीगल्स होते हैं ये क्या है दीजा बर्ड्स और ये बर्ड्स जो होती हैं ये फिश को हंट करती हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं जैसे सीगल की आवाज़ आती है वो उन्हें फॉलो करते हैं और जहाँ जाते हैं उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चलते हैं क्यों क्योंकि उन्हें पता है जहाँ सीगल्स जाएंगे वहाँ सबसे ज्यादा फिश होगी और उसके उन लोगों के लिए फिशिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा विच लाइन्स इन द पोम हाईलाइट द करेज ऑफ द फिशरमैन यहाँ पे फिशरमैन का करेज कहाँ बताया गया है द लाइन्स इन द पोम हाईलाइट द करेज ऑफ द फिशरमैन आर वॉट डो वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सन विद द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स बिकॉज द सी गेट्स रफ दे टोल्ड ऑन एंड फाइट बैक नोइंग दैट दे हैव द ब्लेसिंग ऑफ द सी गॉड ये जो लाइन है वॉट डो वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सन वे हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स मतलब कोई बात नहीं अगर शाम हो गई अगर ज़्यादा देर हो गई तो भी कोई बात नहीं क्योंकि हम वापस आ ही जाएंगे क्योंकि ये जो मदर ये जो सी है वो हमारी मदर है और ये जो सी गॉड है वो हमें ड्राइव करेगा वो हमें घर तक सही तरीके से पहुंचा देगा बिकॉज वेन द सी गेट्स रफ सी गेट्स ऑफ मतलब वेव्स बहुत हाई होने लग जाती है जहाँ पे आपकी नाव पलट सकती है दे होल्ड ऑन एंड फाइट बैक उन्हें पता है वेव्स बहुत हाई आ रही है वो होल्ड करते हैं वो फाइट करते हैं नोइंग दैट दे हैव द ब्लेसिंग ऑफ द सी गॉड उन्हें पता है कि ये सी उनकी है ये उनकी मदद है और ये जो सी गॉड है वो उन्हें ड्राइव कर रहे हैं राइट डाउन एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इमेजरी एंड अनदर दैट अपील्स टू द सेंस ऑफ स्मेल एंड एक्सप्लेन दैम अब यहाँ इमेज इमेजरी का जो काम किया गया है इमेजरी मतलब क्या होता है जैसे हमने कुछ रीड किया तो हम इमेजिन कर पाते हैं हमारे दिमाग में विजन बनता है जैसे कहीं कोई बोल रहा है कि और उसने जैसे ही वो अंदर गया तो गरम-गरम पकौड़ों की खुशबू आ रही थी तो आपको पता है वो खुशबू कैसी होगी तो यहाँ पे ये यह स्मेल की इमेजरी है तो सिमिलरली टच जैसे कि आपने जैसे उसे टच किया तो इट फेल्ट लाइक द सॉफ्टेस्ट फेदर आपको पता है वो टच की फीलिंग क्या है तो यहाँ पे टच की इमेजरी है इमेजरी मतलब जहाँ चीज़ों को आप इमेजिन कर पाते हो सो वन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इमेजरी यहाँ पे जो विजुअल इमेजरी का एग्जाम्पल वो क्या है वेकनिंग स्काई टू देक मॉर्निंग लाइट द वेकनिंग स्काई प्रे टू द मॉर्निंग लाइट इसका मतलब आपको पता है कि हल्की हल्की सी रोशनी है और सुबह हो रही है इन दिस लाइन द पोएट विजुअलाइजेज द स्काई वेन इट इज डॉन मतलब जब डॉन है जहाँ पे वह सूरज की पहली किरण आई है डॉन मतलब जहाँ पे बस सूरज की पहली किरण आई है तो वहाँ पे किस तरीके से अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी आ रही है एंड इट्स प्रेइंग मतलब और ज़्यादा उजाला होने वाला है द स्काई सीम्स टू प्रे टू दन टू ब्राइटन इट अप ऐसा लग रहा है कि जो स्काई है वो सन से रिक्वेस्ट कर रहा है प्रे कर रहा है कि मुझे और ब्राइटन कर दो वन एग्जाम्पल ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल तो ये तो क्या हो गया जहाँ पे आप विजुअल मतलब जो है विजुअलाइज कर सकते हो मतलब इमेजिन कर सकते हो कैसा नज़ारा होगा अब एक स्मेल का देख लेते हैं वन एग्जाम्पल ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल इज एंड देंट ऑफ द मैन ग्रोव अब यहाँ पे जो मैंगो ग्रोव का जो मैंग्रोव का जो स्मेल है मैंगो ग्रोव का हुआ या कोकोनट का वहाँ जो बात हो रही थी आप समझ सकते हो कि मैंग्रोव की स्मेल कैसी होगी दिस लाइन शोज दैट द मैंगो ट्रीज आर फिल्ड विथ विच हैड द स्वीट स्मेल दैट अपील्स टू द पोएट मैंगो जो मैंगो ट्रीज हैं दे आर फिल्ड विथ मैंगोज वो पूरे मैंगो से भरे हुए हैं जिसमें एक बहुत स्वीट से स्मेल आ रही है जो पोएट को बहुत ज़्यादा अपील कर रहा है तो यहाँ स्मेल मैंगो की स्मेल पता है तो आपको पता है कि कैसी स्मेल आ रही होगी क्या फ्रेगरेंस होगी इसको अगेन बोलते हैं इमेजिन करना तो ये हो गई स्मेल इमेजरी ऊपर वाला हो गया विजुअल इमेजरी अब है आंसर द क्वेस्स विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्सट कम लेट अस गेदर आर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट आर कैटेमेरन्स कैटेमेर फ्री लो कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइट फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी ओकेट्स कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइट फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स ये लाइन्स किसने कही हैं ये लाइन्स पोएट ने कही है द पोएट इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स पोएट बोल रही है चलो उठो आगे बढ़ो हमको कैप्चर करना है तो वो एनकरेज कर रही है यहाँ पोएट की बात हो रही है सेकेंड क्वेश्चन कर है वॉट इज डिस्क्राइब्ड एज द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड ये लीपिंग वेल्थ की बात क्या करें क्या वेल्थ है जो वो कलेक्ट करके लेके जाएंगे फ़िश हुआ और उसके अलावा जो है ऑक्टोपस हुआ या शेल्स हुए एनीथिंग दैट दे आर कलेक्टिंग वॉट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस फ्रीज अब क्वेश्चन है द फिश इज डिस्क्राइब्ड एज द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड वो लोग फिशिंग करने जा रहे हैं तो जो वो फिश इकट्ठा करेंगे क्रैब्स इकट्ठा करेंगे ऑक्टोपस मतलब वॉट एवर दे केन सेल यही है उनका वेल्थ लीपिंग वेल्थ यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है वो है मेटाफॉर देखो लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड यहाँ पे फिश को कंपेयर किया जा रहा है लीपिंग वेल्थ से विदाउट यूजिंग द वर्ड एज ऑ लाइक तो ये एक मेटाफॉर की तरह एक्ट कर रहा है क्लियर अब है व्हाट काइंड ऑफ वेदर हैड द पीपल इन द कैटमैर रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अब वहाँ बोल रहे हैं जैसे स्टार्टिंग की लाइन क्या है वो बोल रही है कि जो रात भर एक बच्चे की तरह रोते हुए बच्चे की तरह मतलब जो एक जो सी है वो स्टॉमी तरीके से चली जो विंड है वो स्टॉमी तरीके से जो चल रही थी अब वो जाके शांत हो गई है इसका मतलब एक दिन पहले रात में उन्होंने कैसा वेदर एक्सपीरियंस किया होगा एक स्टॉम एक बहुत बड़ा तूफान एक्सपीरियंस किया था The people in the catamarans had recently experienced a storm when they were out in the sea. Why does the speaker call himself and the others the kings of the sea? अब यहाँ जो speaker है, वो खुद को और सब लोगों को king of the sea क्यों बोल रहे हैं? मतलब जितने भी फिशरमैन हैं, उनको king of the sea क्यों बोल रहे हैं? As fishermen are well acquainted of the sea, so the speaker calls himself and the others the king of the sea. जो फिशरमैन होते हैं उनसे ज़्यादा सी को कौन जानता है उन्हें पता है कि वो मून को देख के वो वेदर में बादलों को देख के उन्हें पता है हवाओं को समझ के उन्हें पता है कि अभी वेदर क्या होने वाला है उन्हें पता रहता है कि कहाँ पे कैसी वेव्स आने वाली है कौन सा जगह बहुत ज़्यादा गहरा है वो सी को एकदम ऐसे जानते हैं जैसे कि वो उनकी मदर है सो so इसी लिए वो इतने ज़्यादा वेल एक्वेंटेड हैं वो सी को इतने अच्छे से जानते हैं कि वो सी को मतलब वो बोलते हैं कि ये जो हम जो हैं द किंग्स ऑफ द सी ओके मैंने बताया था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत स्पीकर कॉल द सी देयर मदर द क्लाउड and ब्रदर the एंड their comrades? क्यों बोल रहा है स्पीकर यहाँ पे द स्पीकर the द सी देयर मदर एज sea इज their, the their sustainer एंड प्रोवाइडर सी ही है जो उनको प्रोवाइड कर रही है उनका ख्याल रख रही है दे कॉल द क्लाउड्स देर ब्रदर बिकॉज इट इज़ द सी वाटर दैट इवेपरेट्स टू फॉर्म क्लाउड्स विथ विच आर देर फोर बोर्न ऑफ द सेम मदर अब यहाँ पे दो रीजंस हैं जो हमने एक्सप्लेनेशन में समझा था दैट इज़ वन रीजन और यहाँ एक और रीज़न है एक रीज़न तो ये है जो क्लाउड्स हैं वो बताते हैं वेदर कैसा होने वाला है तो वो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक भाई की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूसरा रीज़न ये है कि सी का जो वाटर है वो इवेपरेट हो रहा है यही इवेपरेट होकर ऊपर जाके क्लाउड्स बना है तो एक तरीके से वो सेम मदर से मतलब उनकी माँ है सी तो उनका ही उनके ही उनके बच्चे हुए ना वो क्लाउड्स क्योंकि वही इवेपोरेट होकर ऊपर जाके कंडेंस होकर क्लाउड्स में फॉर्म हो रहे हैं तो इसलिए उन्होंने उसको ब्रदर कहा है एंड द थर्ड थिंग इज सो द क्लाउड्स आर देयर ब्रदर्स द वेव्स आर देयर देर एज दे ऑलवेज आर इन द कंपनी ऑफ द फिशरमैन कॉमरेस का मतलब क्या होता है कंपेनियंस मतलब साथी तो जिस तरीके से वो हमेशा उनके साथ रहते हैं वो उनको कॉमरेस कंपेनियंस की तरह जो है अज्यूम कर रहे हैं अनलेस द वेव्स आर देयर द फ़िशरमैन आर नॉट एबल टू मूव ऑन द सी बिकॉज द कैटरामस फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड ऑन अ काम सी अब अगर उधर पे बहुत ज़्यादा कम मतलब जो है वेव्स नहीं चलेंगी तो कैटेमेंस जो होते हैं उनकी जो बोट्स हैं वो आगे ही नहीं बढ़ती उनकी बोर्ड्स में बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन अगर वेव्स हैं तो वो बहुत जल्दी आगे बढ़ पाते हैं तो इसीलिए वो कंपेनियन की तरह उनके साथ आगे चलते हैं वट इज़ बींग रेफर्ड टू एज द फॉल ऑफ द सन लेटर इन द स्टैंसा जो फॉल ऑफ द सन का मतलब क्या है फॉल ऑफ द अगर सन डूब गया है फॉल हो गया इसका मतलब हम इवनिंग की बात कर रहे हैं इवनिंग इज रेफर्ड टू एज द फॉल ऑफ द सन

तो यहाँ पे ही जो है वो सी गॉड को रेफर कर रहा है अगर वेदर बहुत ज्यादा रफ हो गया अगर सी बहुत ज्यादा रफ हो गया तो जो सी गॉड है वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे इस बैड वेदर से अंडरस्टूड स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव अब यहाँ पहला क्वेश्चन है ये हमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्वीट एज यूज्ड इन द स्टैंजा यहाँ पे बोला हुआ है स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव तो यहाँ पे स्वीट के क्या क्या मीनिंग्स यूज हैं द मीनिंग ऑफ स्वीट इन द लाइन स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव इज द कम्फर्ट विच द फिशरमैन हैज एज कंपेयर टू द हार्ड लाइफ एट सी सी में द लाइफ इज़ वेरी हार्ड राइट बिकॉज आपकी जो बोट है वो कभी भी पलट सकती है जब आप स्कॉचिंग हीट के अंडर में हो आपको कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर फेस करना है यू डोंट नो वॉट विल हैपन नेक्स्ट आपको नहीं पता कब कौन सा स्टॉन्ग आ जाए कब कौन सा सुनामी आ जाए सो योर लाइफ इज़ ऑलवेज एट रिस्क लेकिन जब आप एक बीच साइड में हो या ग्रोव के पास में हो कोकोनट ग्लेड में हो वहाँ पर योर लाइफ इज मच मोर पीसफुल एंड सेफ कंपेयर टू द सी तो यहाँ पे स्वीट का मतलब है कंफर्ट, वो आराम वो सुकून विद विश द फिशरमैन हैज एज कंपेयर टू द हार्ड लाइफ एट सी इन द लाइन स्वीट आर दैंड अब ये जो सेकेंड बोल रहे हैं एंड देंट मतलब स्वीट आर देंस स्वीट इज रिफर टू द ब्यूटी ऑफ द सैन दैट फिल्ड द शोर स्वीट आर दैंड तो एक जगह स्वीट की बात हो रही है कम्फर्ट से और एक जगह स्वीट की बात हो रही है ब्यूटी से कि जो स्वीट आर दैंड का मतलब है कि किस तरीके से वो जो सी शोर है वो कितना ब्यूटिफुल लगता है तो यहाँ दो मीनिंग है एक जगह हम बात कर रहे हैं उसके कम्फर्ट की एक जगह हम बात कर रहे हैं ब्यूटी की वॉट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज स्वीटर दैन सिटिंग इन द शेड ऑफ़ कोकोनट एंड मैंगो ट्रीज वाई वॉट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज स्वीटर दैन सिटिंग इन द शेड ऑफ कोकोनट एंड मैंगो ट्रीज ये कोकोनट और मैंगो ट्रीज की शेड में पीसफुली शोर पे पैर फैला के बैठने से ज़्यादा स्वीटर क्या है स्वीटर है जब आप मिड ऑफ द सी में हो उसकी जो वाटर है वो आपके फेस पे स्प्लैश हो रहा है और ये जो हाई वेव्स हैं जब वो शो से टकरा रही हैं तो जिस तरीके से उसमें फोम आ रहा है दैट इज स्वीटर सो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पीकर गोइंग आउट इन द सी इज स्वीटर देन इन्जॉइंग द ब्यूटी ऑफ द शोज दिस इज सो बिकॉज द फिशरमैन एंजॉय द स्प्रे ऑन देअर फेस एंड द फ्रॉथ ऑफ द वाइल्ड सी शोर पे बैठे रहने से अच्छा है स्काई के अंदर जाना सेल करना फिशिंग करना तो वहाँ पे जो है क्यों क्योंकि फ़िशरमैन इन्जॉय क्या करता है द स्प्रे ऑन देयर फेस जब उनके फेस पे स्प्रे आता है जब वो मछली पकड़ रहे होते हैं और जो वाइल्ड सी का जो फ्रोथ है जब वो बार बार शोर से टकरा रहा है या हाई वेव्स आ रहे हैं तो उसमें जो आ, फोर्थ फॉर्म हो रहा है जो पूरा फॉर्म जो है वो मतलब फॉर्म हो रहा है उस चीज़ को वो ज़्यादा अच्छा मानते हैं उस चीज़ को वो ज्यादा जो है स्वीट मानते हैं Where does द स्पीकर आस्क his ब्रदर्स टू गो towards in इन stanza? फाइंड अ सिंगल वर्ड फॉर दिस place। अब वो बोल रहे हैं कि जो स्पीकर जो है जो पोएट्स है हमारी वो कहाँ बोल रही है उन्हें कहाँ जाने के लिए कह रही है इन दिस टें द स्पीकर आस्क हर ब्रदर्स यहाँ पे हम हर करेंगे क्यों सॉरी uh, क्यों क्योंकि क्यों हम पोइटर्स हैं हमारी सलोशनी नायडू सो इन दिस ट स्पीकर ब्रदर टू रो डू वर्ड्स द एज ऑफ दर्ल्ड मतलब हराइजन की तरफ जाओ शितज की तरफ जाओ आगे बढ़ो अर्ड फॉर दिस प्लेस इज होराइजन वो कहाँ जाने को बोल रही है वो हराइजन की तरफ जाने को बोल रही है अब है वट हार्डशिप डू फिशरमैन ऑफन फेस एट सी फ़िशरमैन जो हैं उनको यूजुअली बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो ये कौन सी मुश्किलें हैं देर आर मेनी प्रॉब्लम्स फेस बाय द फिशरमैन मैन बोट्स आर टॉस एंड टर्न बाई द वॉटर्स ऑफ द सी दे ऑफन फेस हार्श कंडीशन ऑफ डेंजर टॉमी विन्स राइजिंग वेव्स एंड डार्क थ्रेटनिंग क्लाउड्स वेन दे गो आउट टू फिश दे गेट मीगर पे फॉर ऑल द हार्ड वर्क दे डू तो अब जो जो प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती है फिशरमैन को एक तो क्या हो गया कि उनकी जो बोट्स हैं वो कभी भी टॉस एंड टर्न हो जाती हैं पलट जाती हैं अगर विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग होती है या वेव्स बहुत हाई होती है तो उनकी जो बोट्स हैं वो टॉस एंड टर्न मतलब वो पलट जाती हैं दे ऑफन फेस हार्श कंडीशंस अब उनको बहुत ही हार्श वेदर कंडीशंस को फ़ेस करना पड़ता है जैसे डेंजरस टॉमी विंड्स बहुत ही बर्फीली या फिर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हवाएं और राइजिंग वेव एकदम बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें और डार्क threatening clouds बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग से डराने वाले एकदम काले काले बादल जो कि अगर बरस गए तो दे हैव नो आइडिया इफ दे विल रीच होम दे गेट मी घर पे एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको बहुत कम सैलरी मिलती है उनको बहुत कम पेमेंट मिलती है फॉर ऑल द एफर्ट्स दे हैव टेकन हाउ इज़ द फिशरमैन लव फॉर देयर वर्क इंडिकेटेड इन द पोम अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फ़िशरमैन जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने काम से वो सी को अपनी मदर बोल रहे हैं क्लाउड्स को ब्रदर बोल रहे हैं वेवस को अपना कंपेनियन बोल रहे हैं इसे समझ में आ रहा है कि वो बहुत अपना मानते हैं चीज़ों को द वोकेशन ऑफ द फिशरमैन इज द वन फील्ड विथ डेंजर वोकेशन मतलब क्या होता है काम जो फिशरमैन का काम है वो पूरा जो है डेंजर से भरा पड़ा है एवरी टाइम द फिशरमैन सेट आउट टू फिश दे नॉट नो हाउ टर्बुलेंट द सी वो टर्न आउट टू बी हर बार जब वो सुबह अपने बोट में कैटरमेन्स में जो है निकलते हैं तब उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से वेदर चेंज होने वाला है येट द फिशरमैन राइज उसके बाद भी वो उठते हैं अपने नेट्स को गैदर करते हैं अपने कैटरमे में जो है उनको फ्री करते हैं और बहुत ही खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं येट द फिशरमैन राइस गैदर नेट्स एंड सेट देयर कैटेमरन्स फ्री मतलब वो जो बांध के रखते हैं अपनी बोट को उसे फ्री करते हैं एंड प्रोसीड चीयरफुली और बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड इस वा, वाइट में मतलब इस जो टाइड की जो लीपिंग वेल्थ है उसको कैप्चर करने के लिए हम बात करें फिश की जितने भी सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए वो आगे निकल पड़ते हैं दिस दे आर एबल टू डू बिकॉज दे हैव कम्प्लीट फेथ इन सी गॉड और ये क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें सी गॉड पर बहुत ज़्यादा भरोसा है एंड बिलीव स्ट्रांगली दैट ही वुड प्रोटेक्ट दैम और वो लोग बहुत स्ट्रांग बिलीव करते हैं कि जो सी गॉड है वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे वन द सी इज़ डिस्टर्ब एंड द वेवस वाइज हाई जब सी एकदम डिस्टर्ब हो जा रहा है और वेवस बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं तो वो भरोसा करते हैं कि सी गॉड उनको सेव करेंगे उनका ख्याल रखेंगे सो so, इस तरीके से फिशरमैन का जो लव है वो इंडिकेट करा गया है वट काइंड रिलेशनशिप डू फिशरमैन हैव विथ नेचर इज इट अ फ्रेंडली और अस्टाइल वन तो फिशरमैन का नेचर के साथ कैसा रिलेशनशिप है क्या वो फ्रेंडली रिलेशनशिप है या अनफ्रेंडली? है हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली

सो हियर यू लाइक यहाँ तक आपने लिख दिया कि सी गॉड पे वो बिलीव करते हैं क्वेश्चन क्या है कि अपना लव कैसे शो करते हैं और यहाँ क्वेश्चन क्या है उनका रिलेशनशिप क्या है तो हम रिलेशनशिप और लव एक साथ बता दें तो ये दोनों आंसर्स को आप कंबाइन कर सकते हो तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे कि सी गॉड उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फिर देखो यहाँ क्या लिखा है दे कैन जो विदाउट फियर टूवर्ड्स दैट पॉइंट वेयर द स्काई एंड द सी सीम टू मीट बिकॉज दे नो दैट ही हुयर लाइफ एंड हिज बॉसम यहाँ पे सी गॉड की ही बात हो रही है मतलब वो जो है अपनी रो करते हुए अपनी बोट्स को अपने कैटेमरन्स को जो है वो आगे होराइज़न की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि वो जो स्टॉम को लेके आता है वो स्टॉम को कंट्रोल कर सकता है और अपनी लाइफ को उनके बॉसम में उनके जो ब्रेस्ट में सब मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए उनको वापस घर छोड़ सकता है Their attachment to the sea is so great that they find the dancing movement of the white foam of the water sweeter than the pleasure of the shore. unka pyar unka attachment jo hai wo sea se itna zyada hai कि उनको वहाँ के sea का जो water splash होता है उनके face पे या ये जो froth है जो foam बनता है waves के कारण वो उनको इतना ज्यादा अच्छा लगता है sweeter than sitting on the shore peacefully, calmly without any danger to life. Be it the scent of the mango groves and coconut trees or the sweet voices of the people whom they love, they like, they love, they see more than anything in the world. In the poem, the speaker asks fishermen to row in the direction of the seagull's call. The verb कॉल हैज डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द प्रपोजिशन विध विच इट इज़ यूज एक्सप्रेशन वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस कैरी अ स्पेसिफिक मीनिंग वेन यूज टूगेदर आन ओनज ईडियम्स तो ये बेसिकली अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ हमने सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ग्रामर पार्ट देखने वाले हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आप कॉल जो वर्ड है कॉल उससे बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनते हैं फ्रेजिज वाले जो होते हैं जिन्हें हम ईडियम्स कहते हैं उट कॉल ऑफ कॉल इन सब के अलग-अलग मीनिंग करने वाले वॉचिंग दिसक्योर दैट यू विजिट आवर वेबसाइट विच इज मैग्नेट ड्रीम्स डॉट कॉम बिकॉज इट इज वेरी इजी टू फाइंड आपके पास जो मेन होम पेज में सारी क्लासेस होती है यू हैव टू क्लिक ऑन क्लास सेवन देन यू हैव टू क्लिक ऑन सब्जेक्ट दैट यूर स्टडिंग यहाँ नीचे चैप्टर वाइज वीडियोज़ आ जाएंगे उसमें आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एंड योर वीडियो विल अप योर थैंक यू सो मच गाइज आई होप क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हों अगर आपने क्वेश्चन आंसर से पहले एक्सप्लेनेशन पार्टनर देखा है सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच इट सो दैट यू अंडरस्टैंड द पोम तभी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओगे टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय बाय